that little mouse, cause I'm an albatross. अगले 3 सालों में इंडिया में 80% से ज्यादा बिजनेसेस ई कॉमर्स बिजनेस बन जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका यूवी वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस एंड अ नॉर्मल बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये ई कॉमर्स बिजनेस होते क्या हैं। इस कोरोना के टाइम में, इतने टफ टाइम में, कोई भी बंदा प्रेफर नहीं करेगा कि वो किसी शॉप पर जाके किसी चीज को बाय करे या फिर वो चीज उसके घर पर आ जाए। यही है ई कॉमर्स बिजनेस। हम एक साइकिल की एग्जांपल ले लेते हैं। कौन चाहेगा कि वो किसी शॉप पर जाके साइकिल को लेकर आए, या फिर वो जाएगा सिर्फ अमेज़न पर या फिर किसी और ऐप पर, सिलेक्ट करेगा अपना बाईसाइकिल और ऑर्डर प्लेस कर देगा और वो साइकिल उसके घर पर आ जाएगा। यही है ई कॉमर्स बिजनेस। अब ऐसे ही अलग अलग मार्केट साइट्स पर अपना जो प्रोडक्ट है आप उसे डाल सकते हो। तो इसी वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि ई कॉमर्स बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, और अगर आपको ये शुरू करना है तो आपके प्लान्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक आइडिया ढूंढना होगा, आप किस चीज़ का बिजनेस करने वाले हो। क्या वो क्रॉकरी है, क्या वो फूड है, क्लोथ्स है, या फिर कोई रिटेल की अलग अलग चीज़ें हैं। आप कुछ अगर अलग आइडिया सोचोगे तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट तो हर बिजनेस में करनी पड़ेगी, ये है फर्स्ट स्टेप। पर अगर आपको वो अलग बिजनेस नहीं चला तो वो आपके लिए एक लॉस में आ जाएगा। इसलिए आपको कुछ ऐसे बिजनेस को शुरू करना चाहिए या फिर जो रिस्क है वो कम हो और जो रिवेन्यू जनरेटेड है वो आपको गारंटीड हो कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू जनरेट होगी। नेक्स्ट स्टेप है एक मार्केट साइट को ढूंढना। इस टाइम पे कई सारी अलग अलग मार्केट साइट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अमेज़न, स्नैप। इस वक्त हर एक सेक्टर की उनकी स्पेशलाइज्ड मार्केट साइट्स अवेलेबल है। आपको ये चेक करना होगा कि आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन सी साइट पर ज्यादा है। आपको ये ढूंढना होगा कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो किस जगह पर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हो तो आपके पास कई सारी मार्केट साइट्स की ऑप्शन होगी, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न या फिर स्नैपडील। आपने देखना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑडियंस रिटेंशन कहाँ पर है, जहाँ पे अमेज़न सबसे ऊपर आता है, पर वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, जो कि है हमारा सेकंड स्टेप, नो योर कॉम्पिटिटर्स। मतलब अगर आप किसी चीज को सेल कर रहे हो ई कॉमर्स बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल अमेज़न पे 3-4 चीजों को सेल कर रहे हैं लोग, सेम चीज है, तो फिर ऑडियंस किन के पास जाएगी। आपको सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर्स की वीकनेसेस को जानना पड़ेगा, वो क्या प्राइसिंग कर रहे हैं, कि एक्सपोर्ट कितनी जल्दी आ रही है। आपको हर सेक्टर में उनसे ऊपर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है प्रेजेंटेशन। आप ऑनलाइन किसी भी चीज को खरीदते हो, आप उस चीज को पहले फील तो नहीं कर सकते कि वो कैसी है, अब उसको देख के ये तो नहीं बता सकते वो पीस डिफेक्टेड है, या फिर आप देखोगे इतनी सारी चीजें सेम होती हैं, पर ज्यादातर लोग किस चीज के पीछे जाते हैं, जिसकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होती है, जिसकी हाई क्वालिटी, मतलब फोटोग्राफर से अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाई हो उस प्रोडक्ट की, उसका एनालॉग
प्रॉपर दिया हो, बाकी कस्टमर केयर है आपने खुद की, प्रॉपरली हर चीज आपको प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी करनी पड़ेगी कि कोई भी लोग अगर उस चीज पर जाए तो सबसे पहले उसे आपके पास ही आना पड़ेगा। अगली चीज है एक्सेस, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में जो चीज दिखेगी वही बिकेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपने 100 प्रोडक्ट्स उस पर डाल दो और वो टॉप 10 की लिस्ट में वो आ ही नहीं रहे, लोगों की रिसर्च में आ ही नहीं रहे, तो आपका उसका फायदा ही क्या होगा, कोई बंदा उसे खरीद ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की ई कॉमर्स बिजनेस की। आप सब अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।